इधर समाज सेविका मेधा पाटकर ने बताया कि किसान संसद के फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद नई रणनीति बनाई जाएगी। पाटकर ने कहा कि वो समिति बनाने के खेल को बखूबी समझती है। सबकी निगाहें 29 तारीख को संसद के घेराव वाले उस ट्रैक्टर रैली पर है, उसको लेकर क्या फैसला किया? 29 संसद मार्च को आगे बढ़ाया गया है क्योंकि हम देखेंगे, हम भी देखेंगे, यही सबका एक मत से निर्णय हुआ है कि संसद में क्या होता है वो देखने के बाद और सख्त और सशक्त रणनीति हम लोग बना सकते हैं। एमएसपी पे सरकार कह रही है कि हम कमेटी बना रहे हैं, उसमें किसान संगठन होंगे, किसान होंगे, आपको एतराज है इस पे? बिल्कुल, फैसला मंजूर नहीं है? बिल्कुल नहीं मंजूर है, क्योंकि ये कमेटी बनाने का जो खेल नर्मदा आंदोलन ने भी 36 साल तक देखा है। अगर एमएसपी पर कानून बनाने पर फिलहाल सरकार राजी नहीं, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो क्या ये किसान आंदोलन जारी रहेगा या फिर आप लोग इस पे कॉम्प्रोमाइज करके आंदोलन खत्म करने का ऐलान करेंगे? यहाँ तो सभी का मूड है कि आंदोलन जारी रहेगा और सशक्त होगा, आंदोलन अहिंसा के और सत्याग्रह के ही पथ पर रहेगा, और क्या नए नए कार्यक्रम और दिशा ले लेंगे वो तो 4 दिसंबर में तय। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।